आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको अमेज़ॉन वेरिएशन लिस्टिंग बनाना सिखाऊंगा, वो भी साइज़ वाइज। अभी वेरिएशन लिस्टिंग ये होता है, उदाहरण के तौर पे आप अमेज़ॉन सेलर हैं और आप अपनी लिस्टिंग कर रहे हैं अमेज़ॉन पे, अपने आइटम्स को बेचना चाहते हैं, लेकिन आपके पास आइटम्स में जो आप बेच रहे हैं उनके अलग अलग कलर भी अवेलेबल हैं और अलग अलग साइज़ भी अवेलेबल हैं। तो आप उन कलर और साइजेस को कैसे दिखाएंगे अपनी लिस्टिंग में अलग अलग को, उसके लिए आपको वेरिएशन लिस्टिंग करनी होती है, जो आज हम सीखेंगे। आज हम साइज़ वाइज सीख रहे हैं, अगली वीडियो में हम कलर वाइज सीखेंगे। तो अभी हम साइज़ वाइज सीखते हैं। इसके लिए अपना अमेज़ॉन का सेलर का डैशबोर्ड लॉगिन कर देंगे, या 3 लाइन्स पर आएंगे, यहाँ पर कैटेलॉग पर क्लिक करेंगे, और कैटेलॉग पर क्लिक करने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे ऐड प्रोडक्ट्स पे। अपना जो भी प्रोडक्ट है यहाँ पे उसका कीवर्ड या टाइटल डालेंगे, जैसे मैं डालूँगा टी शर्ट फॉर मैन, और यहाँ इसे सर्च कर लूँगा। अब हमें इनमें से तो कोई प्रोडक्ट बेचना नहीं है, तो हम यहाँ दबाएंगे क्रिएट न्यू लिस्टिंग। और जब आप लिस्टिंग क्रिएट करें तो यह ऑल एट्रीब्यूट्स पे क्लिक रहने दें। इससे क्या होगा, आपकी सारी फील्ड्स अमेज़ॉन की आ जाएंगी, जिससे आपकी लिस्टिंग ज़्यादा बढ़िया होगी, और जो लिस्टिंग बढ़िया होगी तो विजिबिलिटी भी बढ़ेगी। ये जो जनरेट लिस्टिंग है, ऑटोमेटिकली जनरेट करते हैं लिस्टिंग, आप इसको छोड़ दें, क्योंकि इसके रिजल्ट्स आते हैं वो सही नहीं होते हैं, ठीक है? तो आपको दोबारा से लिस्टिंग करनी पड़ेगी, इसको रहने दें। यहाँ से शुरू करें, आइटम नेम मतलब कि आपके प्रोडक्ट का टाइटल आप डालेंगे। अगर आपको प्रोडक्ट का टाइटल ठीक से लिखना सीखना है, ऑप्टिमाइजेशन सीखना है प्रोडक्ट टाइटल का, मैंने इस पर वीडियो बनाई है, चैनल में आके देख सकते हैं आप। फिलहाल मैं छोटा सा टाइटल डाल के दिखा दे रहा हूँ। इन्होंने बताया हुआ है कि प्रोडक्ट टाइप, अगर आप इससे संतुष्ट हैं तो चुनेंगे कंफर्म, नहीं तो सेलेक्ट अदर दबा देंगे। फिर सेलेक्ट अदर दबाएंगे तो आप यहाँ से सर्च करके चुन सकते हैं, या ड्रॉप डाउन मेन्यू में से चुन सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है? मैं सर्च करके चुनूँगा। इसको भी मैं क्या है, यहाँ पे लिखा है वेरिएशंस, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है दिस प्रोडक्ट हैज़ वेरिएशंस। अब आपको वेरिएशन चुननी है, किस तरीके की वेरिएशन, साइज़ की वेरिएशन है, नंबर ऑफ आइटम्स की है, मटेरियल की है, कि कलर की है। तो हमारी तो साइज़ की सीख रहे हैं आज हम, तो आप डालेंगे साइज़ पे क्लिक करेंगे, ठीक है? और यहाँ ब्रांड नेम डालेंगे। ब्रांड नेम, अगर आपका पास कोई ब्रांड नहीं है, लोकल प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे दिस प्रोडक्ट डस नॉट हैव अ ब्रांड, ठीक है? और नेक्स्ट दबा देंगे। अब यहाँ पे आपको अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है और बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं। तो फिलहाल मैं दिखाने के लिए आपको सब कुछ जल्दी जल्दी डाल के, छोटे छोटे डाल के दिखा देता हूँ, ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पर। अगर आपको सारी चीज़ें डिटेल में सीखनी है तो मैंने सब पे वीडियो बनाई है, अमेज़न प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। बुलेट पॉइंट्स डालेंगे, वो डाल के दिखा देता हूँ सिर्फ अभी। मटेरियल एक तो, और जेंडर टाइप कॉटन, ओह सॉरी, जेंडर टाइप मेल, इमेज डालनी है, अप टू 9 इमेजेस डाल सकते हैं आप, अपने हिसाब से इमेज डाल लें। इमेज डाल दी, अब आप यहाँ प्रोडक्ट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ सर्च टर्म्स डाल लेंगे, कीवर्ड्स होते हैं जो, फिलहाल मैंने डाला, मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है, ठीक है ना? मैन्युफैक्चर पार्ट अपने हिसाब से डाल लेंगे। स्टाइल नेम, जेंडर अपना चुनेंगे, प्रोडक्ट का जेंडर क्या है, फिट एंड कैप चुनेंगे क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स कितने पैकेट होंगे, मटेरियल कितना होगा, क्या होगा, मैं सॉरी मटेरियल, इंस्ट्रक्शन केयर डालेंगे, कोई होगा आपके प्रोडक्ट का, तो
मॉडल नेम डालेंगे, प्लीज़ नॉइस को थोड़ा इग्नोर करें। स्लीव टाइप्स, स्लीव्स डालेंगे अपने प्रोडक्ट के, आपके प्रोडक्ट के हिसाब से दिए होंगे, आपको चुनेंगे, ठीक है। कलर चुनेंगे अपने प्रोडक्ट का, कलर मैप ब्लू का ब्लू ही होता है। मटेरियल टाइप फिर से चुनेंगे, नॉट एप्लीकेबल। जब वूल फर और बैम्बू का होता है तभी मटेरियल रेगुलेशन चुनते हैं, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल करते हैं। लाइफ स्टाइल साइकिल फैशन आएगा इसमें। आइटम बुकिंग डेट कुछ नहीं है, सारी स्टार वाली फील्ड्स होती हैं, सिर्फ वो नेसेसरी होती हैं, वही डालेंगे। अब और भी डालना चाहिए तो डाल सकते हैं, वो आपकी इच्छा। वेरिएशन पे आते हैं, हमने वहाँ चुनी थी ना साइज़ वेरिएशन, तो अब हमें क्या करना है, साइज़ वेरिएशन इसमें डालनी है। तो अब यहाँ पे हमें कहा है, जब हमने साइज़ वेरिएशन चुना है तो एटलीस्ट वन हमें वेरिएशन क्रिएट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ चुनता हूँ या नंबर्स में चुन सकते हैं आप वेरिएशन, क्योंकि आपकी टी शर्ट है, या लेंथ वेट के हिसाब से, या अल्फा में चुन सकते हैं। जैसे मैं चुनता हूँ मीडियम और दबा दूँगा ऐड, ठीक है, तो यहाँ ऐड हो गया। अब मैं चुनता हूँ जैसे लार्ज, यहाँ पे साइज़ वाइज चल रहा है ना, तो यहाँ चुना मैंने लार्ज। एक मिनट, ठीक है, और ऐड अभी दो ही बना के दिखा रहा हूँ बस, जितनी चाहे आप बना सकते हैं अपने हिसाब से। अब इन वेरिएशन जो हमने क्रिएट करी है ना, तो इनकी हमें इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी साइज़ वाइज जो हमने करी है। जैसे टारगेट जेंडर मेल ही होगा दोनों वेरिएशंस का, एज डिस्क्रिप्शन एडल्ट्स के लिए दोनों ये, ठीक है। ये दोनों ऑप्शनल, आप डालना चाहें तो नहीं, डालना चाहें तो डालें तो नहीं, ठीक है ना। स्ट्रा वाली फील्ड सारी कंपल्सरी होती हैं। शर्ट साइज़ क्लास तो एल्फा है क्योंकि हमने मीडियम में लिखा है, अगर एज वाइज लिया होता तो हम एज चुनते, और न्यूमेरिक में लिखा होता ना, मतलब मीडियम लार्ज की जगह 32-34 लिखा होता तो हम चुनते न्यूमेरिक, तो हमने एल्फा में चुना है तो हम डालेंगे एल्फा, ठीक है। शर्ट बॉडी टाइप मर्जी आपकी, डालना चाहें तो डालें, रेगुलर है वैसे ये। साइज सिस्टम इंडिया के हिसाब से ही होगा। सेलर रेस्क्यू आईडी आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, पहचान के लिए डाल सकते हैं। कंडीशन चुननी पड़ेगी न्यू। साइजेस चुनेंगे भाई, मतलब ओ सॉरी प्राइजेस चुनेंगे भाई, किस प्राइस पे बेचना चाहते हैं। जो ये आपकी टी शर्ट्स थी इनकी कितनी कितनी क्वांटिटी है ये भी मेंशन करेंगे, आपके पास बेचने के लिए कितनी कितनी क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये हमने वेरिएशंस हो गई, अब हमें ऑफ़र डालना है, ऑफ़र की चीज़ें डालनी है इसमें, हमें लिस्ट प्राइस डालना है। आप सोच रहे होंगे इसमें योर प्राइस क्यों नहीं आया, योर प्राइस तो हमने वेरिएशंस का भी डाला था ना वेरिएशंस में, इसमें लिस्ट प्राइस आएगा। लिस्ट प्राइस जो होता है वो पॉइंट्स में होता है, उदाहरण के तौर पे 899 था ना, अगर आपको पॉइंट में प्राइस रखना है 899.50 या 40 तो इसलिए होता है लिस्ट प्राइस। अगर आपको पॉइंट में ही लिखना है तो आप डालेंगे 899.00, ठीक है, इस तरीके से। कंट्री ऑफ ओरिजिन डालेंगे इंडिया, HSN कोड डालेंगे अपने शर्ट का, जो भी होगा HSN कोड डालेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो हमें योर प्राइस होगा उससे ज़्यादा होगा डालेंगे। शिप कैसे करेंगे, ऑप्शन है इजी शिप से कि फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन, अपने हिसाब से चुनेंगे। कॉम्प्लायंस एंड सेफ्टी में आएंगे, और यहाँ पे बस नेसेसरी फील्ड्स हैं वो डालेंगे, जैसे मैन्युफैक्चरर कौन है इसका, भले अपने स्टोर का नाम डाल दें वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरर कॉन्टैक्ट और पैकर डिटेल्स ही मैंने इस पर अलग से वीडियो बनाई है कैसे डालते हैं, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। सारी चीज़ें, एक सेकेंड, कुछ रह गया है यहाँ पे वेरिएशंस में। जल्दी जल्दी में रह गया होगा कुछ। हाँ, शर्ट साइज वैल्यू, ओके ओके ओके। तो शर्ट साइज वैल्यू अगर हमने एक सेकेंड, फॉर एग्जांपल
वेट अ मिनट, तो हम जैसे हमने मीडियम चुना है तो उस पर हम चुनेंगे मीडियम, ठीक है। अगर आपने नंबर्स में चुना होता तो नंबर्स चुनेंगे, ठीक है। यहाँ हमने लार्ज चुना है तो लार्ज में हम चुनेंगे लार्ज, एक सेकंड, एल, ठीक है। ये है, ये हो गया। अब सारी चीज़ें हमने डाल दी, अब दबाएंगे हम सबमिट। हमारी लिस्टिंग जो है सबमिट हो चुकी है सक्सेसफुली, ठीक है। थोड़े समय में, 24 घंटे के अंदर अगर अप्रूव हो जाएगी तो रिफ्लेक्ट करने लगेगी आपकी लिस्टिंग्स में। आज किस वीडियो में देता, थैंक यू।